नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस महीने पेट्रोल पंप की बिक्री में 20% का उछाल आया है। बस बेड़े के परिचालकों और मॉल जैसे थोक उपभोक्ताओं के ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की रिटेल बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये प्रति लीटर है। पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियों ने 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में उछाल भी आया है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। थोक उपभोक्ताओं के लिए दरों और पेट्रोल पंप कीमतों में 25 रुपये के बड़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक नहीं कर रहे हैं। इससे पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान और बढ़ रहा है। तो ये थी बात। डीजल की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।